मुरादाबाद में 50,000 रुपए की लूट से हड़कंप। शहर के सिविलाइन थाना क्षेत्र पीएमएस स्कूल के निकट स्थित स्टेट बैंक पर अपनी मां के साथ पेंशन निकालने आए एक युवक ने कुछ लोगों पर मारपीट कर 50,000 रुपए लूटने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है। मझोला थाना क्षेत्र के लाइन पार विकास नगर में रहने वाले विनेश कुमार का कहना है कि वे 22 सितंबर को अपनी मां कलावती के साथ अपनी फैमिली पेंशन निकालने सिविल लाइन थाना क्षेत्र पीएमएस स्कूल के निकट स्थित स्टेट बैंक शाखा में पेंशन निकालने गए थे। वहां 50,000 रुपए निकालकर मां के साथ जैसे ही बैंक से बाहर निकले कुछ ही दूरी पर गौरव, मयंक, संजू, प्रदीप ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें रोक लिया और बैंक परिसर में मारपीट की और 50,000 रुपए लूट लिए। विनेश कुमार का आरोप है कि वे किसी तरह अपनी जान बचाकर बैंक के अंदर पहुंचे और बैंक मैनेजर को पैसे लूट जाने और मारपीट किए जाने की जानकारी दी, जिस पर बैंक मैनेजर ने 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुला लिया। पीड़ित का आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने भी कोई मदद नहीं की और लूटपाट करने वाले उन्हें धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने लूटपाट करने और मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। विनेश कुमार राय। घटना मेरे साथ कल पीएमएस एसबीआई ब्रांच में मैं अपने पेंशन निकलने आया था। मेरे पिताजी 2012 जुलाई को एक्सपायर हो गए, उनकी 14 महीने की पेंशन रुकी थी। मैं अपनी माताजी को, बूढ़ी माताजी को लेकर आया था। जैसे मैं बैंक में ने पैसे निकाले और बाहर को निकला तो कुछ लोगों ने मेरे से लूट कर ली, जिनका नाम मैं जानता हूँ, मैंक हंसराज, गौरव हंसराज, इंद्रेश हंसराज। उनके साथ कम से कम 15 से 20 लोग बाहर थे। उन्होंने मेरे को खींचतानी करके मारपीट भी करी। मैं छुट के अंदर उसमें बैंक में भागा। मैनेजर स्टाफ निकल का क्या बात है, मैं ऐसा मेरे पैसे लूट लिए इन्होंने। बोले जानते, मैंने साहब जानते नहीं, लेकिन लेन देन था मेरा इनसे। बोले फिर आप अंदर आओ। उन्होंने गेट चैनल बंद करा, अंदर को लिया और फिर उन्होंने पुलिस बुलाई। फिर मैंने भी 100 नंबर डायल किया। पुलिस आने के बाद भी और कम से कम 15 से 20 लोग लड़के बाहर थे और गाली गलौज कर रहे थे। मेरी माता जी वह भी तो वहाँ गिर गई और सब लोग जब पहुँचे वहाँ तो उन्होंने देखा तो जब वहाँ से भागे वो लोग। और ये लोग इतने दमंग हैं कि कम से कम 307 सिविल लाइन थाने में, नागपनी थाने में, कोतवाली में इनके मुकदमे दर्ज हैं। और अभी कल से धमकी आ रही है कि तूने पंगा ले लिया, सही नहीं है, तुझे जान से मार देंगे। कल मैं 50,000 रुपये और मेरे पेंशन थी माता जी की, वो मेरे से छीन ली इन्होंने, लूट कर ली इन्होंने। और उसके बाद ये CCTV कैमरे हैं, बिल्कुल बैंक के मतलब अंदर परिसर में था, बिल्कुल गेट पे है। और सब लोग, मैनेजर ने मेरे को बचाया, नहीं तो ये लोग खींच के मार भी देते मेरे को। हाँ, कुछ लोग बाहर खड़े थे, उनके पास मतलब तमंचे थे, जो कि उसमें एक प्रदीप है, एक संजू है, ये लोग मैंने देख लिए थे। ये अंदर बाहर खड़े हुए थे, मैं जब अंदर को भागा तो मैंने देख लिया था उनको, ये लोग गाड़ी लेके खड़े थे। और मेरी माता जी बाहर गिर गई, मैं अंदर को चला गया। उसके बाद मैंने HSO साहब को मैंने यहाँ घटना पत्र दिया है शाम को, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैंने उनको फ़ोन भी किया था, बोले ठीक है, इसकी जाँच चल रही है। और जो कि सारा प्रकरण फुटेज में है, और फुटेज मैंने कहा साहब फुटेज देखिए, मेरी जो बात है झूठ उसको मत लिखिए, जो सच्चाई है उसको लिखिए। आप इन पर मुकदमा दर्ज होने चाहिए। और वो आज भी मेरे को धमकी देने सुबह से दसियों कॉल आ चुकी है मेरी। मैंने कहा बोले अभी देखते हैं, हम बातचीत करते हैं। बोले मैंने सिविल लाइन थाने को लिख के दिया है, SSP साहब को दिया है, CO साहब को दिया है और IG साहब को दिया है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 24 घंटे हो चुके हैं और मेरी माँ इस टाइम भयभीत है, वो डर गई और वैसे ही वो बीमार चल रही थी कि अभी घर में 2 घटना हो चुकी है मेरे।